Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is April 7 of class 8, A Visit to Cambridge. And the name of the writer is Firdaus Kanga. Okay, let's start the story. ये जो चैप्टर है इसमें दो असाधारण लोगों की कहानी बताई गई है. एक है हमारे फिरदौस कांगा जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है और दूसरे हैं स्टीफन हॉकिंग जो कि बहुत ही बड़े वैज्ञानिक माने गए हैं और वो दोनों ही अपाहिज हैं, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं. तो जो फिरदौस कांगा है वो जाते हैं घूमने के लिए इंग्लैंड. वहां पर उनको पता चलता है कि एक बहुत बड़े राइटर स्टीफन हॉकिंग जो है वो यहीं पर रहते हैं. तो वो सोचते हैं क्यों ना उनसे मिल लिया जाए, क्योंकि वो एक पत्रकार होते हैं. वो उनकी बातों को निकलवा कर उनसे जानना चाहते हैं कि उनको क्या, किस तरीके का फील होता है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ को जीते हैं, क्या फील करते हैं, उनके भावनाएं क्या है, उनके विचार क्या है. उनको वो अपनी पत्रिका में छापने के लिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं. और जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं वो बात नहीं कर सकते, इसलिए वो एक कंप्यूटर होता है उनकी व्हील चेयर में, बटन्स होते हैं, उनको वो प्रेस कर करके बटन को प्रेस करते हैं और फिर एक आवाज, एक मशीन में आवाज आती है जो कि उनका बोलने का काम करती है कि वो क्या बोलना चाहते हैं. तो मुंबई से वो जाते हैं, उनसे एक फोन लेते हैं, उनके पास फोन मिलाते हैं. वहां पर उनका एक सहायक होता है, वो फोन उठाता है, वो उनसे बोलता है कि मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए उनसे मिलना है, मुझे उनसे बस बात करनी है कुछ इम्पोर्टेंट. तो वो बोलते हैं ठीक है, 3:30 से 4 तक का टाइम आपको दे देते हैं. और जब वो उनके पास जाते हैं तो उनको देखकर, उनकी हालत को देखकर उनका बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें पीली हुई होती हैं, ना वो हिल सकते हैं ना कुछ, एक चित्र की तरह लगते हैं कि वो कुछ ना हिल सकते हैं ना बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते. उनकी जो बेजान उंगलियां होती है पीली सी लंबी सी, वो सिर्फ बटन को ढूंढती रहती हैं कुछ भी बात बोलने के लिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और उसको दबाकर वो अपनी कोई भी बात बोलते हैं. वो उनसे पूछते हैं कि क्या आपको जब भी कोई बोलता है कि आप अपंग हैं तो क्या आपको बुरा लगता है. बहुत सारी क्वेश्चंस पूछने के बाद 3-4 मिनट के बाद एक एक आंसर उनका आता है, जो कि वो सारे समेट कर अपनी पत्रिका में उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि जो हमारी हालत है व्हीलचेयर पे बैठे रहना, कहीं भी ना जा पाना, किसी से बात ना कर पाना, क्या आपको लगता है कि ये बहुत ही बड़ा दुख का कारण है. तो वो बोलते हैं नहीं, ये हमारे लिए दुख का कारण नहीं है, ना बाकी लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि एक प्रेरणा का स्रोत है. क्योंकि हम अगर ऐसे होते हुए भी इतने काम कर सकते हैं तो अगर ठीक इंसान होगा तो वो कितने काम कर सकता है. तो ये जो सारी चीजें थी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई और उसके बाद उन्होंने ये छापा. जब वो उनसे दूर जाने लगे, उनकी बातचीत जब पूरी कंप्लीट हो गई, तो वो उनके साथ हग करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, ना वो उनसे मिल सकते थे, ना उनको कंधे पे हाथ रख सकते थे, ना हाथ मिला सकते थे, ना रो सकते थे. उनकी आत्मा जो थी वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी अंदर से, उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ा. तब उनको लगा कि उनकी यात्रा पूरी हो गई है. तो इसलिए चैप्टर का नाम है विजिट टू कैम्ब्रिज. आई होप चैप्टर आपको समझ आएगा. टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे.